बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जुम्मे का दिन है, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 9 महीने से फ़लस्तीन के लोगों पर बेशुमार जुल्म हो रहे हैं, ना सिर्फ औरतों और मर्दों पर बल्कि उससे बढ़ के छोटे छोटे बच्चों पर। फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ यकजहती और इसराइली बर्बरियत को दो टोक मजम्मत पर की गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज यानी कि 2 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फ़ैसला किया है। व्यूअर्स, इसराइल की तरफ से किए जाने वाले जुल्म की पुरजोर मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है। फ़लस्तीन पर जारी जुल्म और बर्बरियत बंद करने और इस खत्ते में अमन को कायम करने के लिए पूरी कोशिश करने की हम लोगों ने भी डिसीजन ली है। और ऑफकोर्स ये हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों की भी डिज़ायर है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की पूरी तरह से मदद करे और ज़रूरी सामान और जो भी मामलात हैं, सर्विसेज वग़ैरह, उन तक पहुंचाई जाए। व्यूअर्स, अगर हमने वक्त पे एक्शन ना लिया तो ऐसे वाक़यात दुनिया के अमन को बर्बाद करेंगे और इस खत्ते में मज़ीद और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्रिएट होंगी। इसलिए पूरी आलम बरदारी यानी कि पूरी इंटरनेशनल जो सारे के सारे लोग हैं इंटरनेशनली, डिफरेंट तंजीमें हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, इन सब को इस मसले के बारे में पता भी है और इस जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए वाज़े तौर पे उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है। वरना आलमी कानून और इदारों की हैसियत जो है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा है। और अगर आलमी इदारे और आलमी कानून को नहीं बरकरार रखा जाएगा तो फिर कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट कैसे प्रोटेक्टेड रह सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, परसों एक बहुत ही भयानक हमला हुआ हमास में और हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हनिया, इनको शहीद कर दिया गया। और हम पाकिस्तानी इस हवाले से पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ उनके दुख में और उनके मसाइल में खड़े हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम आगे बढ़ के अपनी सपोर्ट शो करें, उसी तरह जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं सीरिया में जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके हालात की, और उसी तरह जिस तरह हम अपने कश्मीरी भाई बहनों की बात करते हैं। हम अपने हर उस इंसान, अपने भाई बहन के साथ खड़े हैं जो किसी तकलीफ़, किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं और उनको इग्नोर या निगलेक्ट किया जा रहा है। और बाय द वे, सॉरी, क्लैरिटी देना चाहूँगी कि हमास के लीडर हैं इस्माइल हनिया, और ये जो अटैक हुआ था, ये जो सारे मामलात हुए थे, ये हुए थे ईरान के अंदर। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ क्लैरिटी भी शेयर कर लूं। बट व्यूअर्स, ये वही वाली बात है कि जब तक हर इंसान अपना हिस्सा नहीं डालेगा, कोई भी एक्टिव स्टेप्स प्रॉपर तरीके से नहीं लिए जाएंगे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ राहिला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपी, ये बताइए कि आज किचन में क्या बना रहे हैं? किचन में आज हम कोफ्ते बना रहे हैं। और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं जी। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए 2 किलो, तेल 2 कप, प्याज 5 अदद, अदरक पेस्ट 2 चाय के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, भुने चने 4 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, अंडे 6 अदद, हरा धनिया हसब ज़रूरत, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्च हसब ज़रूरत, और कोफ्ते फ्राई करने के लिए तेल। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन ले लेंगे और उसको धो के अच्छे से उसका पानी ड्रेन करके उसके बाद इसका हम कीमा कर लेंगे। और उसके लिए हमें उसके अंदर लहसुन, अदरक और आप थोड़ा प्याज शामिल कर लें, हरा धनिया शामिल कर लें, थोड़ा सा ज़ीरा, गरम मसाला डाल के उसको अच्छे से चॉप करके तो अपने कोफ्ते तैयार कर लें। कोफ्ते हम फिर फ्राई कर लेंगे। फिर हमने प्याज ब्राउन करना है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और टमाटर काट के डालना है, और अच्छे से इनको भून के फिर हमने कोफ्ते ऐड कर देने हैं।
और अच्छे से भून के उसमें फिर हम अपने अंदाजे के मुताबिक उसमें पानी शामिल कर लेंगे और वो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जितना आप चाहें अपने के मुताबिक ग्रेवी बना लें और अंडे बॉईल करेंगे और अंडे काट के लगा देंगे, साथ हरा धनिया गार्निश के लिए, तो हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, बहुत मज़े के तैयार हो जाएंगे। और वही चीज़ है कि आपने अगर रोटी के साथ खाना है, नान के साथ खाना है, सफ़ेद चावलों के साथ भी कोफ्ते बहुत मज़े के लगते हैं, तो डिपेंड्स ऑन हाउएवर, बट अगेन क्योंकि कोफ्तों के अंदर आप प्रोटीन डाल रहे हैं, ग्रेवी डाल रहे हैं, साथ में अगर आप राइस या रोटी लेंगे तो आपके कार्ब्स तो आ जाएंगे, ग्रेन्स आ जाएंगे, लेकिन हेल्दी कार्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में सलाद ज़रूर सर्व करें या कोई ना कोई सब्ज़ी भी ज़रूर सर्व करें ताकि आपकी मील जो है एक कंप्लीट मील बन जाए। सो व्यूअर्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस जरूरी है। जी, दैट्स इट आपकी, थैंक यू। ओके, सो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक और जो इम्पोर्टेंट, जब भी वीकेंड आता है, जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, तो ओवर द वीकेंड मैं हमेशा कोई फूड फॉर थॉट या कोई ऐसी बात ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ जिसके बारे में हम सोचें या जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर हम एक हेल्दी और ज़हनी तौर पे अपनी नशोनुमा को अप्रोप्रिएट रखना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़हनी सुकून एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ज़हनी सुकून की बात करते हैं व्यूअर्स, तो मेंटल पीस या मेंटल रिलैक्सेशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि दूसरों की बातें और दूसरों का ओपिनियन सुनना छोड़ दें। हमारी ज़िंदगी में हम सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला एक ही होता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात ना कर दे, हमने अगर ये चीज़ की तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने घर पे चार लोग खाने पे बुलाए हैं और अगर हमने 6 हांडियाँ ना रखी तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम फलां की शादी या गेट टुगेदर पे गए, हमने महंगे कपड़े ना पहने या नया डिज़ाइनर सूट ना पहना तो लोग क्या कहेंगे। यूज़ लोगों के कहनों पर और लोगों की ओपिनियंस पे अगर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी तो हमारी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। देखें, ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आसान अंदाज में हम लोगों ने गुजारना है, दीन दुनिया को साथ लेके चलना है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। अगर हमने किसी के ओपिनियन की या किसी की राय की टेंशन लेनी है तो वो हम अपने रब के ओपिनियन और राय की टेंशन लें, क्योंकि दी अल्टीमेट जज इज़ अल्लाह ताला। हमारा इशू ये है कि हमें ये होता है कि हमारे हमसाए क्या कहेंगे, हमारी जेठानी क्या कहेगी, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरी भाभी क्या कहेगी। ज़्यादा हमें लोगों की राय में इंटरेस्ट होता है, हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता कि हम अपनी इस्लाह, अपने आप को किस तरीके से एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स यही है कि लोगों के ओपिनियंस सुनने छोड़ दें, जिसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की राय ना लें। अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आपका काम नहीं ठीक जा रहा है या कोई और टेक्निकल इशू है, आपको मशवरे की ज़रूरत है, ज़रूर मशवरा लें। मशवरा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ पे लोगों की राय की टेंशन लेना, आपने घर में हांडी तक क्या बनाई है उसके ऊपर भी अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अपना ओपिनियन और अपनी राय शेयर कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, दैट्स अ प्रॉब्लम। कोई भी इंसान 24 घंटे तनकीद और 24 घंटे क्रिटिसिज्म और 24 घंटे कॉमेंट्स के ऊपर नहीं जी सकता, ये एक बड़ा अनहेल्दी तरीका है ज़िंदा रहने का। सो अपने ओपिनियन को मैटर करना चाहिए। आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में मशवरा कर लेते हैं, अम्मा अब्बा से बंदा बात कर लेते हैं, औलाद अगर इस एज पे है तो उनसे थोड़ी बात करके मशवरा ले लिया, लेकिन हर चीज़ पे दूसरों का ओपिनियन लेने की मुझे ना तो सेंस समझ आती है ना ही लॉजिक। होता सिर्फ इतना है व्यूअर्स के हम ऑलरेडी अगर किसी बात पे डिस्टर्ब्ड होते हैं या कन्फ्यूज होते हैं तो मज़ीद और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोटे हैं तो अगर कोई ये कह देगा कि आप मोटे हैं तो क्या उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा? नहीं, सिर्फ आपका दिल ही दुखेगा ना। देन अगर आप पतले हैं तो लोग आपसे पूछेंगे आप बीमार तो नहीं हैं। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो इसका मतलब आप शो ऑफ कर रहे हैं। अगर आपने सिंपल कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है आपके पास पैसे नहीं हैं या यू डोंट केयर। अच्छा, अगर आप सीरियस हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बोरिंग इंसान हैं। अगर आप फ़नी हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़े इमेच्योर हैं। अगर आप कामयाब हैं तो आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप बेसिकली लेज़ी इंसान हैं, आप मेहनत नहीं करते। अगर आप सच्चे हैं तो आप बहुत सीधे हैं। अगर आप चलाक हैं तो आप एतबार के काबिल नहीं। मसला ये है कि किसी भी चीज़ में कोई इंसान खुश नहीं है। सो हम लोगों की राय और लोगों के ओपिनियंस में अगर फंसे रहेंगे व्यूअर्स, तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे? देखें, हर इंसान
जो अमल करता है वो दूसरे लोग और या दुनिया जो है उसकी तारीफ़ नहीं देगी, उसकी दाद नहीं देगी। भाई ईदी साहब जैसी अजीम पर्सनालिटीज़ तक के बारे में लोगों ने नेगेटिव बातें की। सो द पॉइंट इज़, जब ऐसे अच्छे दयालु पॉजिटिव लोगों के बारे में भी लोग नेगेटिव बात कर जाते हैं तो नेगेटिविटी तो इंसान के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। दूसरों की राय सुनने के बजाय कोई आपके बारे में अच्छी बात कहता है, आप ज़रूर उसको सुने। हाँ, चापलूसी कर रहा है तो चलो आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन लोगों की राय हर चीज़ के बारे में लेना, कि बच्चों को आपने कैसे रेज करना है, आपने काम कैसे करना है, आपने कपड़े क्या पहनने, आपने खाना क्या है, पीना क्या है, आपने अपने घर का डिकोर क्या करना है, आपने किधर जॉब करनी है किधर नहीं करनी, ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। और बाय द वे, सबसे ज़्यादा मुझे वाट इस बात पे चढ़ता है जब लोग कहते हैं हाय अल्लाह ये काम क्यों कर रहे हो या कर रही हो। अच्छा भाई, आप दे दें फिर पैसे। हर बंदा काम रोज़ी रोटी कमाने के लिए करता है या अपने करियर को एडवांस करने के लिए, और कोई भी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए व्यूअर्स, इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े जतन करने पड़ते हैं, और एक स्ट्रगल का पीरियड भी होता है। उस स्ट्रगल के पीरियड में ये कहा जाता है हाँ आप सही मेहनत नहीं कर रहे होगे या लायक नहीं होगे, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो लोग तो स्टूपिड बातें करते रहते हैं व्यूअर्स, हमने अपनी टो में लगे रहना है, हमने अपने रब की रस्सी को मजबूती से पकड़ के मेहनत करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ख़ुद पॉजिटिव रहना है। और हाँ, जहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि दूसरों की बकबक नहीं सुननी, वहाँ पे अपनी ज़बान को भी लगाम देना है। अगर हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बारे में लोग फजूल बातें करें या हमें अजीबोगरीब मशवरे दें या हमारी ज़िंदगी के बारे में कॉन्स्टेंटली कॉमेंट करें, तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना। कितनी नॉर्मल और नेचुरल बात है, कहीं किसी गेट टुगेदर में गए, 10 जानने वाले मिले, हर बंदे को उसकी किसी चीज़ के बारे में कमेंट किया, हाय तुमने बाल क्यों छोटे कर लिए, अजीब से लग रहे हो, भाई आपका तो रंग इतना ख़राब हो गया, क्या हो गया, धूप में ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, जिसको मिले उसको अपनी राय भी दे दी और उसका दिल भी दुखा दिया, क्यों? जिस चीज़ को हम अपनी कंसर्न या अपनी राय समझ के किसी के साथ शेयर करते हैं, वो एक्चुअली किसी को दिल दुखाने का बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। तो हम पॉजिटिव तरीके से और अच्छे तरीके से लोगों के साथ क्यों नहीं पेश आ सकते? सो दूसरों की राय भी बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। नॉनसेंस बातें, मोटी हो गई, हाय अल्लाह ये तुमने जूते क्यों पहने, ये सूट तो तुमने पहले भी पहना था, हाय तुम्हारे मियाँ की अभी तक नौकरी नहीं लगी, तुम काम करती हो, तुम घर के मामला चलाती हो, प्लीज़ लोगों की बातें सुननी छोड़ दें और अपनी ज़बान को भी कंट्रोल करें। क्योंकि जब हम लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं तो फिर हमें अपने अंदर भी इतनी वो सख्त पैदा करनी चाहिए कि हमारे बारे में अगर कोई फजूल बात करे तो हम भी बर्दाश्त कर सकें। सो इस स्यापे में पड़ें क्यों, पॉजिटिव रहें, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करें, एक अच्छे आसान अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ना किसी को तकलीफ़ दें और ना ही किसी की दी हुई तकलीफ़ को आप एक्सेप्ट करें, लाइफ आपकी पुरसकून हो जाएगी। सो इस वीकेंड पे मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीकेंड को स्टार्ट करें, जैसे कि आज जब बच्चे सच्चे स्कूल, मतलब बच्चे सच्चे घर पे वैसे ही हैं, अभी भी समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, मर्द हजरात घर आए हैं, सारे फैमिली जब एक साथ इकट्ठी हो, तो सोचें इसके बारे में कि किस तरीके से आप पॉजिटिव अंदाज़ में आगे बढ़ सकते हैं। ना तो दूसरों के ऊपर कॉमेंट करें, ना दूसरों की बातों को अपने दिल पर लें। हमें एक्चुअली लोगों पर कॉमेंट करने की इसलिए इतनी आदत है, जो बाय द वे वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छी बात कोई आपके बारे में ज़रूर कह देता है, नेगेटिव बातों पे लोग अपने मुंह को बंद ही रखते हैं, क्योंकि अगला बंदा भी आगे से घूम के कह देता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो कोई बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आज हम छोटे से होते हैं, हमें कोई प्यार भी करता है, छोटी सी बच्ची पास आएगी, आए कितनी गुपलू सी मोटो सी है, इसके वज़न को देखो कितनी मोटी होगी, तो छोटे से बच्चे को आदत पड़ जाती है इस तरह की फजूल बातें सुनने की, क्योंकि घर वाले भी कुछ नहीं कहते। सो ना आप सुने ना किसी को सुनाएं, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्प्लिश्ड लोग आज हमारे साथ होंगे, जिन्होंने रोबोटिक्स की दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा काम किया है। 1st of August से, कल से हमने आगाज़ किया इस एक 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 अपना हम सेगमेंट हर रोज़ करने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग एट होम में, जहाँ पे हम खराज तहसीन पेश करें अपने उन पाकिस्तानी लोगों को, यंग लोगों को, एडल्ट्स को, सीनियर्स को, किसी को भी जो पाकिस्तान में कुकी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि 1st of August से ही जश्न आज़ादी की हमारी सेलिब्रेशंस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे और पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाती हैं। जिस तरह बाहर के ममालिक में जब क्रिसमस आता है तो दिसंबर के पहले ही हफ्ते के अंदर अंदर लोग दरख्त लगा देते हैं, डेकोरेशंस लगा देते हैं, इसी तरह 14th of August की जब आमद होती है तो अगस्त की 1st से ही लोगों के घरों में फ्लैग्स, झंडियाँ,
जश्न आज़ादी का एहतमाम शुरू हो जाता है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मिलेंगे बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड लोगों से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप सोच रहे होंगे आज ऐनक क्यों पहनी है। इसीलिए पहनी थी क्योंकि बड़े अक्लमंद पढ़े लिखे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। मुझे क्या पता था कि ऐनक एक ही को लगी हुई है। मैं तो एक्सपेक्ट करती थी फुल ऐनक, टोटल नर्ड सीन। यहाँ पे तो हैंडसम यंग बॉयज आके बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपके लिए तालियाँ बजाना चाहूँगी। थैंक यू। यू गाइज आर ऑसम, सो प्राउड ऑफ यू। अब आपने किया क्या है क्योंकि वो टेक्निकली ज़रा औखा है करना भी और समझाना भी। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दे के अब आपसे ही समझूंगी कि आपकी अचीवमेंट्स, ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता चले। व्यूअर्स सबसे पहले तो एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, एफए में अच्छे ग्रेड्स आ जाना, बीए में अच्छे ग्रेड्स आ जाना, मैट्रिक में टॉपर होना, ये सब बड़ी प्यारी बातें और बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन अब एजुकेशन में ही इतने सबसेट्स और इतनी चीज़ें आ गई हैं जिनको हम एक ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे, अब हम को करिकुलर भी कहते हैं। और उन्हीं इंटरेस्टिंग चीज़ों के थ्रू अब हमारे यंग बच्चे इतनी ब्रिलियंट इनोवेशंस कर रहे हैं कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें फेम हासिल करने का मौका मिल रहा है। रोबोटिक्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती। रोबोटिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं तो लोग कहते हैं ऐ की चीज़ है ये। तो इन बच्चों ने ये बेसिकली NERC यानी कि नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कॉन्टेक्स्ट, राइट, उसका हिस्सा रहे हैं। 2024 के अंदर जो इनकी अचीवमेंट्स हैं हम उन पर भी बात करेंगे, बल्कि एक इंडिविजुअल तो ऐसे हैं जो 2023 और 2024 में भी इन्वॉल्व थे। पहले चारों बच्चों से मिलते हैं, इनसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये फील्ड क्या है और फिर आपको बताऊंगी कि इन ब्रिलियंट यंग बॉयज़ ने किया क्या है। हमारे साथ असद अली हैं, विनर ऑफ लेगो NERC 2024। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सो प्राउड ऑफ यू बेटे। थैंक यू। आपके साथ बैठे हैं सैफुल्ला, विनर लेगो NERC 2024। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, सो हैप्पी टू हैव यू हियर एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आपके साथ बैठे हैं मोहम्मद अहमद समदानी, आपने स्कोर की सेकेंड पोजिशन इन इंडिजिनस कैटेगरी ऑफ NERC 2024। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बेटा मोहम्मद बुलाते हैं घर वाले या मोहम्मद? अहमद। अहमद, अहमद बेटा बहुत मुबारक हो। एंड देन अहमद के साथ बैठे हैं मोहम्मद उसामा तौकीर। अच्छा उसामा पुराने पापी हैं, उसामा जो हैं वो 2023 में विनर इन लेगो मॉड्यूलर यूनिवर्सिटी एट NERC, देन 2023 फर्स्ट इन UOL लाइन फॉलो, एंड देन 2024 में रनर अप इन इंडिजिनस कैटेगरी ऑफ NERC। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू मैम। ओके, तो शुरू करेंगे असद आपसे बात, रोबोटिक्स क्या है? सिर्फ मुझे रोबोटिक्स पहले समझा दो क्योंकि बड़ा ही चर्च है। मेरा बेटा हसन भी रोबोटिक्स में है, मैंने नहीं समझ आती है क्या रोबोटिक्स। असल में एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर कोड जो होते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब इन चीज़ों को कंबाइन कर देंगे ना तो वो असल में रोबोटिक्स बन जाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्स हैं, डिफरेंट कार्स हैं, तो वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कम्बिनेशन है, इसलिए वो मैनुअल हैं जिसको हमें चलाना पड़ता है अपने यूजिंग हैंड्स या चीज़ें यूज़ करके। लेकिन जो रोबोटिक्स है वो खुद ही चलता है ऑटोमेटिक, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोड होता है जो हम कोड करते हैं कंप्यूटर के साथ। ये वही रोबोटिक्स हैं जो आजकल बायोनिक बाजू में और बायोनिक टांगों में इस्तेमाल होते हैं। ये उसी ये वही मैकेनिकल है, बस उसके अंदर ये होता है कि वो हमारे सिस्टम ब्रेन के साथ होता है उसका लिंक, जिससे वो हमारी हैंड मूवमेंट होती है। लेकिन इनिशियली तो कंप्यूटर के साथ ही होता है, इनिशियली कंप्यूटर के साथ ही होता है, जिसकी वजह से उसकी हैंड मूवमेंट में आसानी होती है। जैसे डिफरेंट रोबोट्स हैं वो सारे यही हैं, जिसमें बैकेंड पे कोड हुआ हुआ है और वो कोड ही उसको चलाता है। सेंसर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, लाइन सेंसर, कलर सेंसर होता है, IR सेंसर होता है, जिनकी मदद से रोबोट चलता है। वो मैकेनिकल लेवल पे होते हैं, लेकिन जब हम पीछे कोड करते हैं तो हम उन मैकेनिकल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। यानी कि आपने अगर घर में हांडी तक बनवानी है तो आप इस रोबोटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। घर की लाइटें ऑन ऑफ करनी है बाहर बैठे हुए, ये सारी चीज़ें, और आप ये सारी चीज़ें फ्यूचर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं रोबोट्स के कोड के साथ, जब हम मैकेनिकल चीज़ों को यूज़ करके कोड करेंगे उसके ऊपर। तो ये तो रोबोटिक्स हो गई। अब सैफ बेटा बताओ रोबोटिक्स के अंदर लेगो रोबोटिक्स क्या है बेटे? लेगो तो ब्लॉक्स होते हैं,
आप तो उनसे सिर्फ चीजें बनाते हैं, हम भी बचपन में लेगो से खेलते थे, हम लेगो सिटीज बना लेते थे, कभी पुलिस की पूरी एक हमने स्टेशन बना लिया, कभी बच्चियों के लिए भी ऑप्शन होता था, रिमेम्बर हम लोग बना लेते थे डॉल हाउसेस उससे। तो इसका रोबोटिक्स से क्या ताल्लुक है? लेगो बेसिकली एक रोबोटिक्स की कैटेगरी है, तो ये असल में एक किट होती है लेगो, इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि पार्ट्स होते हैं जोड़ते हैं और कोई कंस्ट्रक्शन कोई काम कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो उससे। तो इससे हम बोट बनाते हैं और एक साथ किट होती है, उसके अंदर कोड करना होता है। यानी कि आप पहले उसका शेप बनाते हैं, जो भी आपने शेप रोबोट की रखनी है, मूवमेंट शूवमेंट सारा कुछ जो भी करना है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर किट लगाते हैं जिस किट से वो हिलने जुलने जोगा हो जाता है। और इसमें अलग अलग सेंसर्स भी होते हैं, कलर सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है। तो उसी तरह जिस तरह हम एक मशीन को, जैसे कि एक रोबोट को ही, अब ये देखें ना, ये अब लेगो से सारा बना हुआ है, राइट? जी, ये सारा लेगो से के पीसेस से बना हुआ है और इसके अंदर किट लगाई गई है और इसको आप हिलाते हैं विदाउट एनी हाथ लगाए बगैर। जी, ना आपने पुश करना है ना टच करना है, आपने अपनी किट की जो भी रिमोट है या जो भी उसका जॉयस्टिक है या जैसी नहीं यूज होता, बस एक क्लिक करते हैं उसके बाद खुद ही चलता है, खुद ही चलता है। अच्छा, उसकी पूरी मूवमेंट भी प्री डिफाइन हो जाती है? जी, क्या बात है, सब कोड करना पड़ता है। तो NIRC क्या है? नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कॉन्टेक्स्ट है, जो मतलब इसमें, मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें इन्वॉल्व होना कितनी बड़ी बात है, क्या है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये बताओ। नेशनल कंपटीशन है जो NIRC यूनिवर्सिटी EME जो कॉलेज है उनका, वो करवाता है हर ईयर, और हम लास्ट 5 ईयर से हमारी यूनिवर्सिटी जा रही है और विनर है 5 ईयर से लास्ट मोस्टली कैटेगरीज में। और इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेगो, रेडी टू रेस और इंडिजनस। जो उनकी मेन कैटेगरी है वो इंडिजनस कैटेगरी है, जिसमें प्रॉपर थीम्स होता है, जिसमें हम जो प्रॉपर रोबोट्स होते हैं ना, वो हम स्टार्ट से उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें PCB वगैरह, मोटर्स के टायर्स, पूरा बेस का डिज़ाइन, कोडिंग वगैरह, एवरीथिंग, सेंसर्स वगैरह तक भी हम खुद उसमें बनाते हैं। और क्या कहते हैं, जो इस ईयर जो था हमारी लेगो की टीम जिसमें विनर थी, और RTR की भी, और इंडिजनस की फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहते हैं वो भी विनर थी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ये क्या है और NIRC क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका कितना स्कोप है बेटे? क्योंकि आप तो 2 साल से अब लगातार कर रहे हो, आई एम श्योर आपने अब इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो कर ही लिया ना आप लोगों ने, तो इसमें कोई ये इंटरनेशनली भी चीज़ें होती हैं और उनमें फिर कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? इंटरनेशनली लास्ट ये जो हमारे सीनियर्स थे वो लास्ट टाइम उज़्बेकिस्तान गए थे, तो उधर उन्होंने जो फुटबॉल एक जो है गेम है उसमें जो रोबोट की तरह ही वो भी गेम थी, तो उसमें हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने 3rd पोजीशन उसमें वो अचीव की थी उज़्बेकिस्तान। तो यानी कि एक पूरी वो सीक्वेंस है कि मतलब आप पहले नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें, अगर आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनली भी भेजा जाएगा। ओके, अब बताइए कि आपने किया क्या है एग्जैक्टली, वन बाय वन। जी, मेरा नाम असद है और मैंने असल में लेगो जो मॉड्यूलर कैटेगरी है NIRC के अंदर उसमें काम किया था, जिसमें क्या नाम है, ब्लॉक ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको पहले जोड़ना होता है और उन जोड़ने के बाद जैसे रोबोट बन जाता है, उसके बाद उसका कोड किया। अब कोड बैकएंड पे डिफरेंट सेंसर्स लगाए थे उसके अंदर, जिससे उसकी मूवमेंट का पता चलेगा कि उसने कैसे मूव करना। जो NIRC की मेन थीम थी, जो हमें तकरीबन जनवरी फरवरी अच्छा, के अंदर भी देते हैं, थीम ही फॉलो करनी होती है रोबोट ने। तो थीम क्या थी? थीम थी असल में हमारी ट्री से बॉल पिक करना, दरख्त से बॉल पिक करना, ट्री प्लकिंग असल में सही मेन चीज़ थी, कि बॉल ट्री से बॉल पिक करना है और उसको सेव करना और फिर पार्किंग में जाना है। ये बेसिक यही है कि मतलब कोई भी ट्री पे अगर फल लगा हुआ है तो उससे वो उतारना है, तो उसके लिए हमने रोबोट डिज़ाइन किया था। उसकी थीम हमें मिलती है तो हम उस पर वर्क करते हैं और डिफरेंट सेंसर्स और कोड अपना कोड करते हैं उसके ऊपर, ताकि वो उस लाइन को फॉलो भी करे और बॉल पिक भी करे। अच्छा, एक सवाल, क्या ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है बेटा सैफ, या ये एक जिस तरह क्लब्स या ग्रुप्स होते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में, जैसे मेरे बेटे को रोबोटिक्स पढ़ाई नहीं जा रही लेकिन रोबोटिक्स क्लब का वो हिस्सा है, तो आप लोगों का क्या कोई ये कोर्स का हिस्सा है क्या? मैम, ये बेसिकली कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, कह भी सकते नहीं भी कह सकते, क्योंकि हम CS के स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, तो उसमें रोबोटिक्स का इतना नहीं है, लेकिन ये है कि हमने अपनी ये जो फील्ड है हमने अपने शौक की वजह से ज्वाइन किया हुआ है। और आप ऑब्वियसली इसके थ्रू अपने आप को मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। जी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिर आपके आपका एरिया स्प्रेड आउट हो जाता है ना। तो मैं तो मेरा शुरू से कोडिंग में बड़ा इंटरेस्ट था ना, तो आप दोनों ने साथ किया था?
ये आपका कंबाइंड प्रोजेक्ट था या अलग अलग किया? ये हमारा कंबाइंड प्रोजेक्ट कंबाइंड था। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में भी बेटे बताओ आपने, क्योंकि यू आर द विनर्स, तो क्या तो एक तो जोड़ी कैसे बनी? एक तो ये भी होता है ना, जस्ट बिकॉज दो लोगों को इंटरेस्ट है और वो एक क्लब के अंदर है, जरूरी तो नहीं है कि वो कनेक्ट हो जाएं। हम पहले क्लासमेट्स भी थे, तो क्लासमेट्स से उसकी वजह से फिर हम सोसाइटी में भी एक साथ आए और फिर सोसाइटी में फिर टीम भी एक साथ बनी, क्योंकि सेकंड अब नॉर्मली हम सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको क्या नाम है, हम लेगो कैटेगरी से स्टार्ट करवाते हैं ताकि उन्हें रोबोटिक्स का अंदाज़ा हो जाए कि रोबोटिक्स में वर्क कैसे होता है। फिर उसको आरटीआर और इंडिजिनस कैटेगरी में लेके जाते हैं जिसमें स्क्रैच से सारा कुछ बनाया जाता है। तो उस वजह से हम सेकंड सेमेस्टर्स के थे, तो हम लोगों का एक ही ग्रुप बना और हमने वर्किंग किया। सो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आप लोगों ने क्या क्या डिज़ाइन, कुछ उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करोगे? डिज़ाइन पहले हमने मेन स्ट्रक्चर किया उसको, जैसे लेगो के जरिए करती है मेन स्ट्रक्चर, जैसे आपने दिखाया था यहाँ पे सेम वही स्ट्रक्चर किया हमने, फिर उसके ऊपर कोड किया था हमने, उसमें हमारे सर ने हमारी हेल्प की, हमारे सीनियर्स ने। कितना लगा टाइम? ऑलमोस्ट हम सेकंड सेमेस्टर के मिड से स्टार्ट हुए थे और हम एज एन अभी नए आए थे उसमें फील्ड में, तो टाइम तो शुरू में काफ़ी लग गया, लेकिन ये कि जब सीख गए तो बहुत आसानी हो गई थी काम में। बट एक ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी कितनी लंबी होती है, मैं वैसे अंडरस्टैंड करना चाह रही, क्योंकि देखो ना दिखने में तो इतनी नन्नी सी चीज़ है, इतनी क्या बात है उसने उठा के व्हाट्स कहने को ये किया ना, कहने को तो ये उठा के यहाँ रखे, कितनी बड़ी बात है, लेकिन इंसान का चीज़ को उठा के रखना और एक ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है, जिसका दिमाग नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकती, इस टेबल पे मैंने ये रखा हुआ, टेबल खुद उठा के तो मेरे यहाँ पे नहीं रख सकता ना कुछ, सो इसको ह्यूमन क्वालिटीज़ देने में कितना टाइम लगता है, चाहे वो इतनी सी चीज़ क्यों ना हो, ये जानना ज़रूरी है। ये आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर बनाना सीखना होता है। अब जैसे नॉर्मल लेगोज होते हैं उसमें स्ट्रक्चर, उसमें तो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ना, आराम से बन जाता है, इसमें तो छोटे छोटे ब्लॉक्स, तो इनको जोड़ना, इनको सब कुछ करना, कैसे सेट करना है सब कुछ, सेंसर कैसे लगाना है, मोटर्स कैसे लगानी है, मूवमेंट के लिए भी रखना है। अब क्योंकि लेगो एक हार्ड चीज़ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपने उसको बनाना भी ऐसे है कि वो फंसे ना और अकड़े ना, ना बॉल पिक भी पिक भी कर रहे ना, एक स्मूथ एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल को ये हमारे आप देखें ना कितनी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रूट पिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेक्स थिंग्स अलॉट ईजियर, वेस्टेज भी कम हो जाएगी। जी तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मेरी कैटेगरी थी इंडिजिनस कैटेगरी, इसमें जो थीम था ना एग्रीकल्चर का था, कि हमने एक क्रॉप को पिक करना है और ट्री को उसकी जगह रिप्लेस करना है, और जहाँ से हम ट्री पिक करेंगे उसकी जगह जाके हमने रॉक को रिप्लेस कर लेना है। अब इसमें उन्होंने 10 कम्बिनेशन हमें प्रोवाइड किए हुए थे, और 2 अरीना होते हैं ब्लू एंड रेड साइड, और वो 20 कम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। और जो हम रोबोट स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे पीसीबी होती है वो भी हमने खुद डिज़ाइन करनी है, खुद ही बनानी है, सेंसर जो हैं वो भी हमने खुद क्रिएट करने हैं, उसके बाद जो मोटर्स वगैरह के टायर्स वगैरह हैं जो उसके बेस, उन्होंने लिमिटेशंस भी हमें दी होती हैं, लिमिटेशंस में उन्होंने हमें साइज़ का, वेट का, और जो हमने यूज़ करनी होती थिंग्स उनका बताया होता है कि हम कौन सी मेड और खुद जो हमने बनानी है उसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, हम उस लिमिटेशंस को देखते हुए हम फिर उस पर वर्किंग करते हैं अपनी स्टार्ट, और जो हमारा हमने क्या कहते हैं टाइम, उसमें हमने एक्यूरेसी देखनी होती है, स्पीड देखनी होती है, और हमने एक्यूरेसी में ये देखना था कि उन्होंने जो थीम बनाया था, थीम में जो थे ना रोबोट्स ने जो ट्रीज पिक करने थे ना, वो एक बॉक्स बनाया हुआ था रेड कलर का, उसके अंदर से उसने पिक करना है ट्री, और जहाँ पे उसने प्लेस करना है ट्री वो भी एक रेड बॉक्स था, और उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, अगर उस बॉक्स से थोड़ा सा बाहर भी माइनर सा भी बाहर हो जाए या वो रेड जो बॉक्स बनाया था अगर वो बॉक्स नज़र नहीं आता तो पॉइंट्स नहीं मिलते थे, तो उसमें एक्यूरेसी भी मैटर करती थी और स्पीड भी मैटर करती थी, क्योंकि जो ओपोनेंट है उसने भी स्पीड में चलाना है, और उसने भी अगर उसकी भी एक्यूरेसी है तो फिर हमें स्पीड चाहिए, तो बहुत मुश्किल काम है, और 4 मिनट्स का टाइम तो नहीं है, I mean it's a very complicated 4 मिनट्स का टाइम होता था, और हमें अपने कॉम्बिनेशंस का नहीं पता होता था कि कौन सा कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो एट अ टाइम टास्क होता था, टास्क में जो है फिर जजेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करते थे, वो हमें कॉम्बिनेशन दिखा देते थे ये कॉम्बिनेशन है, और फिर हम एट अ टाइम हम देखते थे क्या कम्बिनेशन है, उसको देख के फिर बोट को रन करते थे, जो पाथ था वो लाइन फॉलो जो था वो बोट करता था पाथ को देख के, और जिसे ट्री पिक करता था वो हमने एक सर्वो मोटर होती है जो आर्म, जैसे हम आर्म को मूव करते हैं ऐसे, वो उस तरह मूव करती थी ट्रीज़ वगैरह को पिक करने के लिए रॉक को, उसके बाद हमने जब तीनों ट्रीज़ और तीनों रॉक्स जो पिक कर देने हैं उनकी जगह पर रिप्लेस कर देने पिक करके, और हमने पार्किंग में जाना होता था, इस तरह जो रोबोट ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूरेसी से रखता था, जो फर्स्ट विन क्या कहते हैं टाइम जिसका कम होता था वो विन करता था। सी व्यूअर्स, इट्स नॉट दैट इजी,
समझाने में अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतने टीयर्स हैं तो आप सोचें कि जिस बंदे ने बैठ के एक एक चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, वो एक चीज़ भी जो डिस्क्राइब कर रहा है बच्चा, वो भी बड़ी लंबी चौड़ी एक कहानी है। तो माँ बाप अक्सर कहते हैं ना, सारा दिन लगा रहता है अपने खिडौनों ला खेड़दा रहता है, तो बात यह कि वो खिडौने भी आपको बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज एवरी थिंग इज अबाउट रोबोटिक्स नाउ एंड मेकिंग लाइफ ईजियर, मेकिंग थिंग्स क्विकर, मेकिंग थिंग्स मोर फीजिबल। और इसमें जो है, हम सी एस डिपार्टमेंट के हैं, हमें रोबोटिक्स का प्रॉपर नहीं बताया जाता कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क का, इसमें हमें खुद सीखना पड़ता है। हमारी जो कि कहते हैं सोसाइटी है, वो हमें कोर्सेज करवाती है, वर्कशॉप करवाती है, जिससे हम सीखते हैं। और जब नस्ट में, जैसे नस्ट में ई एम ई के वो स्टूडेंट्स हैं, वो मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हैं, और वो 2 semester से 7-8 semester में, जैसे 6-7 semester से वो इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अपने इस कंपटीशन की, वो थीम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और हम थीम की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जैसे मिड हमारा जैसे एंड हुआ, हमने उसके बाद स्टार्ट की और फाइनल तक की। इसी तरह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ज़्यादातर वो इंजीनियरिंग्स की होती हैं, और हम सी एस के, और हम लास्ट 5 years वहाँ पर विन कर रहे हैं। ओके उसामा, व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट? मेरा इंडिजनस में था, सेम हमारा प्रोजेक्ट था, तो उसमें लास्ट टाइम भी हमारा जो था उसमें था कि जो ट्रीज़ थे उसमें से फ्रूट्स पिक करने थे। उसमें ये था कि कुछ फ्रूट्स थे जो पके हुए थे और कुछ जो थे ना वो कच्चे थे, तो उसमें हमने सेंसर्स के थ्रू वो डिटेक्ट कराने थे, जो कच्चे फ्रूट्स हैं उनको वो पिक नहीं करना था क्योंकि वो कच्चे हैं, उनको अगर हम ग्रैब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर वेस्टेज है ना। वेस्टेज है, ऑब्वियसली ये एक मींस टू एन एंड है, कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना जिससे कल को बेनिफिट हो सके। तो सिर्फ जो पके हुए फ्रूट्स हैं उनको हमने वो पिक करना था, और उसके बाद फिर हमने एक बास्केट थी, मतलब जिसमें हमने वो बास्केट में हमने उसको ड्रॉप करना था, हाँ। और बाकी फिर हमने उसको वो पार्किंग में जाना था। आपको कितना टाइम लगा था अपना प्रोजेक्ट रेडी करने? हमें भी सेम टाइम, मतलब मिड्स के बाद हम स्टार्ट कर देते थे, वैसे साल साल के मतलब जून जुलाई में आ जाता नहीं, बट होता है ना कि लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ लोग 2 हफ्ते में भी चीज़ तैयार कर लेते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं, हर बंदे की अपनी पेस होती है ना। नहीं, बट हम जो हमारी सोसाइटीज के मेंबर है ना, हम मिलके काम करते हैं। यू हैव टू वर्क टुगेदर, बिल्कुल ठीक है, दैट्स बेस्ट। वर्क करते हैं जिसकी वजह से हम फिर, जैसे अब हमारे सीनियर तो हमें किसी चीज़ में गाइड कर देते हैं अगर हमें नहीं आ रही होती, ठीक है, हम अपने जूनियर्स को गाइड कर लेते हैं कि अगर उनको नहीं कुछ पता चल रहा, इस वजह से हम मिलके काम करते हैं। और जो हमारा अरीना वगैरह यहाँ पे भी बनता है, जो हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, और जो मेन अरीना जो नेक्स्ट भी होता है वहाँ पे जाके हम फिनिशिंग करते हैं, जो प्रॉपर हम कोड होता है, फिर जो हम 1 week पहले चले जाते हैं वहाँ पे, और फिर उधर ही जाके हम सारी वर्किंग करते हैं। वेल आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, यू डिड सच एन ऑसम जॉब एंड माशाल्लाह वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अब इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी जाके हमें रिप्रेजेंट करो नेशनल लेवल पे, तो यू मेड अस वेरी प्राउड। अब इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करो और मज़ीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करो, सो ब्लेस यू गाइस इंशाल्लाह जी। इसी हमारी यूनिवर्सिटी भी रोबोट एक्ट कंपटीशन करवा रही है रोबोटिक्स का, जो 2000 शुरू करवा रही थी, 2019 में कोरोना की वजह से डिले आ गया था, अब दोबारा करवा रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और जब हम NERC कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी प्रॉपर हमें सपोर्ट करती है, बेशक हमारा क्लब है पर सपोर्ट हमें प्रॉपर करती है हमारी सोसाइटी को। और हम कंपटीशन करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस सेट के थ्रू, इस शो के थ्रू जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आएँ हम उनको। बेटा फिर एक बार सही तरीके से पैगाम दो व्यूअर्स को और बताओ। इस ईयर हम 2024 में रोबोटेक के कंपटीशन करवा रहे हैं, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, हम चाहते हैं इस सेट के थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आए हमारे, हम उनको वेलकम करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे कैसे अप्लाई करें, अप्लाई का तरीका भी बताओ। अप्लाई के लिए हमारा जो पेज है, वेबसाइट है, वेबसाइट का हम लिंक भी, और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है gears.lgu के नेम से, और उस पर हम क्या कहते हैं अपडेट करते रहते हैं साथ साथ, जिस तरह हमारी कोई भी वर्कशॉप कोर्सेज हों। और सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या कोई भी अप्लाई कर सकते हैं? स्कूल कैटेगरीज में होंगे, हाँ, स्कूल कैटेगरीज में भी RTR कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों लेवल पे ट्राई किया जा सकता है। तो क्लास 9-10 का स्टूडेंट भी ट्राई कर सकता है, 9-10 से भी कम के, जैसे 5-6 क्लास के भी बच्चे करते हैं, 5 क्लास के भी आए वो स्कूल कैटेगरीज में आ जाते हैं। स्कूल कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज होती हैं, फिर एरो भी होती है, सुमो बार भी होती है, वो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं स्कूल में, इसी तरह कॉलेज में, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब गाइस, और डेफिनेटली अगर आप भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, रोबोटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, मुझे नहीं बिल्कुल समझ आती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने ओवर स्मार्ट होकर अपनी कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि देखिए जिस चीज़ का नहीं पता उसका नहीं पता, बट मेरा अपना बेटा इज़ इंटरेस्टेड इन दिस और वो इतना ज़्यादा इंटू इट, क्योंकि जो आपने लेगो वाली बात की मुझे याद है, मुझे आके कहता है मामा कम 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 हैव अ लुक,
तो मैं गई तो उसकी ना वो प्रॉपर एक लेगो की उसने चीज़ बना के ना चीज़ मुझे करके दिखाई, और इस तरह करके ना उसने उठा के एक चीज़ उठाई, उस चीज़ को नीचे रखा, मैं तो बेहोश होने वाली हो गई। मैंने कहा आपने बनाया है? फिर आई रियलाइज़ कि वो एक बॉक्स आता है लेगो का जिसके अंदर किट होती है, जिसमें वो फिर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती हैं सारा कुछ। बट इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड कि राइट टाइम राइट एज पे अगर बच्चा इन्वॉल्व हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कंग्रेचुलेशंस, सो प्राउड ऑफ यू, इसी तरह लगे रहो एंड जब भी कोई नई अचीवमेंट करो हमें ज़रूर बताओ। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ्यू ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ जिनसे अब हम ये तो बात कर रहे हैं कि AI, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें कितनी ब्रिलियंट है, लेकिन कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उन यंग बच्चों के लिए जो इसको पॉजिटिव तरीके से नहीं यूज़ कर रहे, इसको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली टू डू नथिंग एंड टू लाई इन बेड एंड इन अ सेंस बी लेज़ी और मुकाबलाबाजी, जिसके फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब दोस्तें आ जाती है ना सेट पे तो फिर काम नहीं होता, फिर सिर्फ बकवास होती है, जो मैं तब से कर रही हूँ। और अभी आते बिल्कुल ऑनर आते हैं, मैं कहा ढिचड़ा ढिचड़ा सिर नोच मुँह नोच लूँ, ये भी होता है, लेकिन ये आपस में ही डिस्कस हो सकता है। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो मिल लेते हैं हमारे साथ कौन है, क्योंकि मैंने जो हमारा अभी पिछला सेगमेंट हुआ है ना उससे कनेक्ट करके बात करनी है। तो पहले तो मेरी ये जो प्यारी सहेलियाँ हैं, जो एक्चुअली तो सहेलियाँ बनी हैं इसी शो के थ्रू, लेकिन अब ताल्लुक कुछ ऐसा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। गुल हसन हमारे साथ है, वैसे तो ये मेरे बेटे हमजा की क्लास वन की टीचर थी, लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई और जब इनका पर्सपेक्टिव मैंने देखा तो कुछ अरसे हमारी सिर्फ एक सलाम दुआ हेलो हाय की हद तक हुई, फिर मैंने देखा कि बात भी बड़ी आसान अंदाज में करती है, क्योंकि देखिए एवरी टीचर कांट स्पीक ऑन टेलीविजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो गुल हसन हमारे साथ है, 15 साल से ज़्यादा का इनका एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। लगता है हमजा की बारी है, आपने पहली नौकरी शुरू की थी? आई वाज माय सेकंड ईयर एक्चुअली, शुरू ही किया था। हाँ अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा साल था मुझे काम करते हुए। हाँ, ये एक पटाखा जैसा होता था अभी भी वैसा ही है, हमें बच्चे पालने का बता रहा होता था, हम इसकी शक्ल देखते थे, हम कहते थे तू रख ले बेहतर आता तू सामने, और मैंने रखा भी है, और रखा भी है हमारे पास सांबे भी हैं इसने बहुत बिल्कुल सांबे। अच्छा, देन वी हैव आयशा ज़ीशान विद अस, बहुत प्यारी मेरी दोस्त, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आशु, आपको पता ही है आपसे मजीद मैं और क्या बात करूँ, आपको पता है मुझे भी पता है आपको भी पता है, हम दोनों को पता है, और आपके शोहर की भी दिमाग की दही मैंने सुबह सुबह निकाल दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बिस्मा एजाज। डॉक्टर साहिबा आ जाता है ना तो हमारा दिल चाहता है हम थोड़े फॉर्मल हो जाए, लेकिन यह भी सहेली है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, हेड एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बिस्मा? बिल्कुल ठीक। आज आप जो बातें कहती हैं हमने उसकी उलट बातें करनी है, इसलिए मैं गुल से शुरू करूँ तो मैं तुम्हारे से बात ही नहीं शुरू करनी। गुल, अभी ब्रेक से पहले ये बच्चे गए नुस्त यूनिवर्सिटी से, नस्त से, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने को कि कंप्यूटर साइंस इनका सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन रोबोटिक्स और लेगो रोबोटिक्स में जो इन्होंने अवार्ड्स लिए और सारा कुछ किया वो इनका एक क्लब था कॉलेज के अंदर, जो स्कूल्स और कॉलेज सब के लिए है, क्योंकि फिर पाँचवीं जमात के स्कूल के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुके। बिल्कुल कर रहे हैं हम। अब हम हमेशा कहते हैं, और आप भी मुझे कितने साल पहले, 15 साल पहले कहती थी कि हमजा को गैजेट से दूर रखें, फला चीज़ों से दूर रखें, डिवाइसेस वगैरह ये चीज़ें ठीक नहीं होती। तो अब क्या करें, अब तो गेमर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं, गेमर्स कमा रहे हैं, बोलना चॉइस नहीं है हमारे पास देन, लेकिन जोगिन अभी भी इसको हम बहुत स्ट्रीमलाइन करके बच्चों को हमें सोशल मीडिया देना पड़ेगा, हमारे पास अब चॉइस नहीं है, हमें उनको एक्सपोजर देना है। अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ जो डिवाइसेज हैं, देखो मकैनिकियाँ मारते हैं तो सीखते हैं, देखो उससे भी आपकी इवन छोटे बच्चों की जब आप बात करी ना कि क्लास 5 से शुरू होती है तो उससे भी छोटे बच्चों से शुरू हो जाती है, बिकॉज मैं यही लफ्ज यूज करने लगी थी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि वो छोटे छोटे गैजेट्स के छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हैं, और क्रिएटिविटी इससे कितनी एनहांस हो रही है कि वो नई नई चीज़ें डेवलप करें। ये इसी रोबोटिक्स के ऊपर ऐसे ऐसे इन्होंने गैजेट्स इनोवेशन, अभी आप दिखा रही थी अपने शो में ही कि दे हैव कम अप विद सो मेनी डिफरेंट न्यू इन्वेंशंस, वो सब रोबोटिक्स पे है। और आप देखो ना, एक अब जैसे कि हर बार कोई नई चीज़ देते हैं, अब इस बार इन्होंने इनको ये थीम दी, और लास्ट ईयर भी ये थी कि जी आपने कोई चीज़ पिक करके उतारनी है, यानी कि फल उतारना, यानी कि कल को एक बड़ी मशीन बनाई जाती है अगर इन्हीं की यूनिवर्सिटी के थ्रू या इन्हीं बच्चों के थ्रू, तो वो फिर फार्मिंग में हेल्प करे, क्योंकि हमारा फार्मिंग का सेक्टर सबसे बड़ा है, और एक्चुअली हमारी
हमें अपनी ये जो फार्मर्स हैं इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट देनी चाहिए और दे भी रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल दे रही है। तो जब इस तरह की फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी तो ये एक बड़ा पॉजिटिव अमल है। अब अवेयरनेस आना शुरू होगी ना तो पेरेंट्स को भी पता है कि हमने बहुत सारे लोगों ने ये क्लब्स बनाना शुरू कर दिए रोबोटिक्स के, अब लाहौर में भी इवन छोटे बच्चों के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होना शुरू हो गई है। और देखिए ना जैसे मैं आयशा आपसे बात करी थी, आपने कहा कि जुगन मेरे पास तो बच्चे होते हैं 3 से 5 साल की 6 साल की उम्र तक मैक्स, लाइक अगर हम 2 to 5 की भी बात कर रहे हैं क्योंकि 2 साल की उम्र में बच्चों को मतलब बिल्कुल ही प्ले ग्रुप टाइप में डाल दिया जाता है। तो आयशा देखिए इस किस एज पे ये गेज कर सकता है बंदा कि किसी बच्चे का इसमें पोटेंशियल है और कितना को उसको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो बच्चे भी हैं जो 6 माह की उम्र पे या 4 माह पे ही माँ बाप ने सामने फोन रखना शुरू कर दिया कि इसको कोई कार्टून या कुछ दिखाना शुरू कर दे, बच्चा बिजी हो जाएगा। 6 महीने के बच्चे को बिजी क्या करना है, उन्हें बेचारे ने करना ही किया है, इत्थे देखना है उत्थे देखना है एनीवे। लेकिन ये एक पढ़ी लिखी माँ को पता है ना एग्जैक्टली, उसमें भी अवेयरनेस की बात दोबारा आ गई कि जो पेरेंट्स को पता है कि राइट और रॉन्ग का डिफरेंस क्या है। और फिर कुछ माएँ काम कर रही हैं, हमारी लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी कि जो मदर्स भाई आई एम अ वर्किंग मदर काम कर रही हैं, बट जोगिन इन योर केस यू नो द डिफरेंस, तुम पढ़ी लिखी हो, यू नो आपको पता है कि क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए। बहुत सारे केसेस यार हमजा की बारी सच्ची बात है, मुझे नहीं पता था फर्स्ट टाइम मदर चाहे 40 साल की उम्र पर भी आप बने आपको नहीं पता। आई हमजा मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी गलतियाँ वहाँ पर की। अब हसन में हम देखते थे कि वो 3-4 साल की उम्र पे ना ब्लॉक्स के साथ चीज़ें बना रहा है, लगा हुआ है, मकैनिकियाँ कर रहा है, हमने उसको उसकी उम्र से ज़रा बड़ी लेगो लेके देनी शुरू कर दी। अब जिस रोबोटिक्स की ये बच्चे बात कर रहे हैं, हमजा भी एक रोबोट, हसन भी रोबोटिक्स क्लब में, तो 7 साल का बच्चा रोबोटिक्स कर रहा है बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अगेन आयशा व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, क्या बच्चों को यंग एज पे एक्सपोजर देना चाहिए या नहीं उस एज पे जिस एज के बच्चे आपके पास हैं? एक्सपोजर तो डेफिनेटली देना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वही बात है गुल वाली कि हमारे पास चॉइस तो कोई है नहीं है, मॉडर्न एज है और हम इससे डिनाई नहीं कर सकते इसकी इम्पोर्टेंस से। येस आई बिलीव कि एक थोड़ा सा जो मुझे रहता है कि जब तक पेरेंट खुद लिटरेट ना हो उसके लिए तो वो अपने बच्चे को उसकी यूजफुल तरीके से यूजेज को गाइड नहीं कर सकता, अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकता। अगर आपका चेक एंड बैलेंस फुल है और आप देख रहे हैं कि बच्चा उसको इन वॉट मैनर्स यूज़ कर रहा है ना, मतलब कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, रीलें भी नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रहा, मतलब आप फजूल तरीके से उसको यूज़ नहीं कर रहे डिवाइस को, तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको इस एज में जो ज़माना जो इस वक्त फी ज़माना है उसके अंदर आप इस चीज़ से डिनाई ही नहीं कर सकते इसकी इंपॉर्टेंस से। आई वॉन्ट से कि जी नहीं इसके यहाँ ये कर दिया वो गलत, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया है अब, अच्छा मैं देख रही थी, मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, हम दोनों ना क्योंकि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हम एक दूसरे को ना रीलें उस तरह की भेजना शुरू हो गए। अच्छा अब हमारे फ़ोन पे रीलें ही वो आ रही हैं जो किसी के जाने या औलाद से मोहब्बत या वो वाली। तो बात ये है कि ये याद रखें कि जो कंटेंट आप देखते हैं जब आपके बच्चे आपका फ़ोन पकड़ के वो उसके अंदर से ढूंढेंगे चीज़ें देखने के लिए तो वो बड़ों वाला कॉन्टेंट देख रहे हैं जो आप देखते हैं। 4 रीलें तो बच्चे के हिसाब की आ जाएंगी लेकिन 15 उसमें से ऐसी आएंगी जो शायद छोटे बच्चे के ना देखने वाली ना सुनने वाली। वही बात आयशा ने की ना कि चेक इन बैलेंस बहुत जरूरी है। मेरा हस्बैंड और मैं अक्सर एक दूसरे को स्टूपिड जोक्स और मियां बीवी को की बिस्तरों वाले रीले भेज रहे होते हैं और छेड़ा छाड़ी वाली, अब वो रील ना तो हम कभी सोशल मीडिया पे लगाएंगे और सर्टनली अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे कि मियां तो होते ही ऐसे हैं, बीवियां तो होती हैं ऐसी, बंदा मजाक में एक दूसरे को भेज देता है प्राइवेटली। लेकिन आप पब्लिक लेकिन मुझे तो भी ये भी लगना शुरू हो गया कि मैं जो सोचते हूँ वो भी मेरी रील आनी शुरू हो जाती है, मुझे लग रहा होता है ये मेरा माइंड रीड कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो आपने देखना है अगर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। और तो डेफिनेटली नुकसान है। चीजें आपके बच्चों को रेज कर रही है, अगर कंप्यूटर और मशीनें ही आपके बच्चों को रेज करिए तो व्हाट्स द पॉइंट एग्जैक्ट। फिर आप पैदा करके उसको किसी ऐसी आई एम श्योर ऐसी एक्सपेरिमेंटल जगहें होंगी जहाँ पे आप बच्चों को रोबोट से ही लेकिन जुगन पर इन दैट केस हमें इसको स्क्रीन टाइम को और इस एक्सपोजर को लिमिट करना है ना। Exactly. हमें उनकी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को ऐड करना है, हमें उनकी ज़िंदगी में रीडिंग को ऐड करना है, बिकॉज जो एक बुक है वो एक गैजेट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे अब ये बात एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ, किस स्टेज पे, क्योंकि देखिए जीनियसेस भी निकल आते हैं, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कह रहे हैं हमारा बच्चा तो 2 साल की उम्र से रोबोटिक्स कर रहे हैं, तो उनका क्या? जुगन जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और ये सारी सोशल मीडिया एक्सपोजर के फ़ायदे हैं ना वहाँ पे नुकसान भी हैं। अभी आप जब डिस्कशन कर रहे थे आपने एक बात पे एंड किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो फिर रोबोट्स के हिसाब से ही पले बढ़ेंगे और बिल्कुल उनकी तरह अपब्रिंगिंग होगी,
इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी एज अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव कि लैक ऑफ एम्पथी जो है ना दैट इज़ डेवलपिंग इन द किड्स. उसकी रीज़न ये है कह रही थी आपके आने से पहले एग्जैक्टली कि जब आप रोबोट में इमोशंस नहीं है राइट. अब बच्चा जो है जब वही चीज़ें देख रहा है या उसी चीज़ से लर्न कर रहा है तो ये जितनी यंग एज में उसका एक्सपोजर इस तरफ जाएगा उतनी ही यंग एज से वो लेस एम्पथेटिक ह्यूमन बींग के तौर पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. अब छोटे छोटे बच्चे बहुत ही फंसे हुए हैं. याद है हम छोटे होते थे माँ बाप की गोदियों से नहीं उतरते थे. चिपकू बच्चे होते थे और जो नॉन चिपकू बच्चे होते थे वो भी आज के चिपकू बच्चों से ज्यादा चिपकू होते थे. अब तो हम लोग वो जनरेशन है जुगन जो सोशल मीडिया के आने से लास्ट पहले की लास्ट जनरेशन है जिसको एक्सपोजर नहीं था. हमारे बाद जो भी जनरेशन आ रही है वो चाहे जेन जी है या जेन वाई है उसका सोशल मीडिया एक्सपोजर और आप वाजे डिफरेंस देख सकते हो उनमें और अपने इमोशनल लेवल में इमोशनल स्टेबिलिटी में थ्रेशोल्ड लेवल में. वो रीज़न ही ये है कि दे हैव बीन एक्सपोज टू दोज थिंग्स जिसने उनके अंदर से वो इमोशंस जो है ना उनको ड्रेन कर दिया हुआ है. उस तरीके वो रो नहीं पाते. रोने वाली बात पर रो नहीं पाते. हंसने वाली बात पर हंस नहीं पाते. दे आर ओनली इन देयर ओन वर्ल्ड. जोन आउट रहेंगे. आपसे आप उनसे बात कर रहे हो अगर एक्सपेक्ट करते हो कि दे विल बी यू नो प्रोड्यूसिंग समथिंग प्रोडक्टिव लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे जैसे वो आपको सुनने नहीं रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन जो इस सारी डेवलपमेंट की वजह से एज अ साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है बच्चों के अंदर. एंड जगेन आई विल ऐड हियर इसकी वजह से बच्चों का फोकस कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गया है. और बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन इन देयर माइंड एट द सेम टाइम कि दे आर नॉट प्रेजेंट. पहले होता था 40 मिनट की किसी एक सब्जेक्ट की क्लास होती थी छोटे बच्चों की. अब तो 40 मिनट क्या वो 5 मिनट से ज्यादा बच्चा फोकस कराना बहुत मुश्किल. पहले हमेशा क्लास में एक बच्चा होता था जो फुदकता रहता था. अब 80% बच्चे 80% इधर उधर इधर उधर हाइपरएक्टिविटी है. वो एक छोटा सा रोने के मोबाइल दो मेरे पास. मैं तो ऐसी सिचुएशन में 4 साल का बच्चा चीखे मार के रो रहा है ढाल हो गया. माँ जब तक आई नहीं उसने फोन नहीं पकड़ाया बच्चा सुकून में नहीं आया. आज कल का ही मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ. तो मेरी कल की मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगी कि एक बच्चा अब उसकी मदर ही बात करी थी कि मतलब मैं इसको डिवाइस दे देती थी और बहुत घंटों के लिए वो बैठा रहता था. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस के साथ वो जो घंटों का टाइम है उसमें फिर ये थोड़ी देर के बाद वो आपका क्योंकि जितनी स्पीड से आपकी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं डिवाइस के ऊपर उतनी स्पीड से आपके इर्द गिर्द कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता. तो बच्चे बार बार उस स्क्रीन पे आते हैं और अब उनको वो जो प्लेजर मिल रहा होता है उस 2 मिनट की वीडियो से वो टाइम भी और कम होता जाता है. और बच्चा एंजाइटी में फिर वो उससे बोर होता है फिर वो उससे बोर होता है. और फिर इस तरह से उसकी अर्ज और नीड जो है वो हमने टाइम को लिमिटाइज क्या करना है वो टाइम अनलिमिटेड होता जाता है क्योंकि उसकी तसल्ली ही नहीं हो रही होती किसी भी चीज से. वो प्लेजर इतना इतना ज्यादा उसके लिए कम होता जाता है कि वो एंजाइटी में बच्चे और तभी वो फुदकते हैं. आजकल फेवरेट डायलॉग होता है मैं बोर हो गया. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बिकॉज ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की. यार हम छोटे होते थे हम कहाँ बोर होते थे. बोर तो हम नहीं होते. जवाब जवाब 13-14 साल के होते थे. क्या मिलता था क्या क्या मतलब है ये क्या लफ्ज है. अच्छा मुझे तो ये कहते थे मैं बोर हो रही हूँ तो मामा कहती थी मैं क्या करूँ दफाओ लिटरली मैं क्या करूँ दफाओ. बात बट यू कैन वी कांट से दैट नाउ. यार मैं ये नहीं कह रही है कि दफाओ कहो मगर मैं ये तो कह रही हूँ मतलब किसी पासे के तो मुझे नई कसमें नहीं समझ आ रही. हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी हाईली अनबियरेबल और वो इतना हमें ही हर्ट करेगा. बच्चे को कुछ नहीं होगा. वो कहेगा आप आई एम एन अडल्ट आपने मुझे ये लफ्ज़ कैसे कह दिए. मतलब एक छोटी सी चीज बताओ जब हम बचपन में होते थे तो हमारे माँ बाप में से कोई भी बाहर जाता था ना तो हम रो रो के बुरा कि हमने भी साथ. अब बच्चे को अगर आप जाओ डिवाइस है तो कहते आई एम ओके यू प्लीज गो आई एम ओके. नहीं नहीं मेरा तो बिल्कुल ये वाला सीन नहीं है. एक पासे एक लत नाल एक बच्चा चिमड़दा है तो दूसरी नाल दूसरा. बट आई टेल यू वन थिंग दैट्स आल्सो बिकॉज़ मैं फैसल थोड़ा कम है इस तरह से क्योंकि उनका मिजाज फर्क है. मैं बहुत ज्यादा बच्चों में फिजिकली घुसती हूँ. मैं पकड़ पकड़ के जपिया. अब हसन का मिजाज बहुत डिफरेंट है बाकी दोनों से. नूर बानो गोदियों में घुसती है हसन नहीं घुसता. लेकिन अगर मैंने 10 मिनट नूर को पकड़ के कडलीज की हैं या लाडियां की हैं तो मैं हसन को जबरदस्ती साथ लिटा के करती हूँ कि चल. वो बहुत पता है क्यों. बिकॉज वो 2 मिनट के लिए तो यहीं यहाँ पीपी माँ का पकड़ता है. 3 मिनट तक नहीं यहीं करके बिल्कुल छोटा सा बकरोशा बन के लेटा होता है. बात यह है कि इंसान की बेसिक जरूरत है और एक ह्यूमन का फिजिकल टच और एक माँ का इंपॉर्टेंट. माँ का रोल बाप भाई बहनों का एक दूसरे को गले लगाना हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को गले लगाना माँ बाप का जवान बच्चों को जाके गले लगाना जब वो बुजुर्ग हो जाएं ये हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो ये
चीज नहीं पूरा करेगी। वही बात आ जाती है ना जो डॉक्टर, देखिए मैं भी लगी रहती हूँ, ये नहीं कह रही हूँ, मैं भी रिले करती रहती हूँ, मैं भी सारा दिन सोशल मीडिया यही करती रहती हूँ, लेकिन पॉकेट्स में अब मैं जैसे गाड़ी में बैठी हूँ, चलो मेरे पास 5 मिनट है तो मैं पीपी पापा कर ली, कोई चीज लगा ली, कोई रील लगा ली, रात को चलो फैसल सो गए, व्हाटएवर, 2 मिनट फोन को देखा, फिर फोन को जबरदस्ती साइड पे रखा, क्योंकि इस बदतमीज ने तो सोने ही नहीं देना, इसके लिए मियां क्या सिर खाएगा, बच्चे क्या पागल करेंगे, माइंडफुली इसको हमें हटाना पड़ता है कि बस अब वी नो वी नीड टू गेट सम स्लीप। बट अपनी जात को कैसे मॉडिफाई करें कि ये काम इस्तेमाल करें ताकि फिर हम अपने बच्चों को काम करें। हम बार बार बात करते हैं बच्चों को नहीं देना रोल मॉडल, हम क्या करें, क्योंकि पहले अपने आप को एज वुमेन बात करते हैं, एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेंबर्स, एज व्हाटएवर, लेट्स टॉक एज इंडिविजुअल्स पहले कि हम क्या कर सकते हैं। आई टेल यू व्हाट आई डू, यू गाइस टेल मी व्हाट यू डू, प्रोफेशनली भी और देखिए आप लोगों का काम ऐसा है कि आपको छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल हाँ, टीचर्स नहीं पकड़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती मोबाइल को, आपकी शिकायत हो जाएगी, तो आप वैसे ही डिफॉल्ट ही लगा सकते, आपकी आदतें फिर भी ठीक है, आप मायरे नफ्सियात है, आपने मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स के बीच में देखेंगी तो फिर भी घंटे की तो ब्रेक आ रही है ना। हम जैसे जिन्होंने सेट पे बैठ के वेट करना है आधा घंटा, उसके बाद फिर आपको बुलाना है, आपने एक सीन करना है, फिर आके आपने 40-45 मिनट, तो हम तो यही करते हैं, फिर माँ काम खराब होता है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डिवाइसेस का यूज हम लोग एडल्ट्स कैसे कम करें पहले ये बात करते हैं, उसके बाद बात में करेंगे कि फिर बच्चों को बाय डिफॉल्ट कैसे कम करें। और जिनके बच्चों की बुरी आदतें पड़ चुकी हैं, सॉरी, पहले अपने आप को चेंज करके उनको इस तरफ लाना पड़ेगा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप मोबाइल पे लग रहे हैं, आपके हस्बैंड लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे को कह रहे हैं फोन की जान छोड़ो, तो वो क्यों छोड़े, आपने कौन सी छोड़ी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम बातचीत कर रहे हैं जिंदगी के एक बहुत बड़े मसले की जिसको हम गैजेट या डिवाइस कहते हैं जी, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, मुझे ये बताओ कि आप डिवाइस का इस्तेमाल कैसे कम करती हो, फोन हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, मैं सब की बात कर रही हूँ, सिर्फ फोन नहीं। बिल्कुल, हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर को निकाल देते हैं उसमें से, एक्चुअली स्क्रीन की बात हो रही है। नहीं, बट यानी स्क्रीन टाइम लोग सिर्फ फोन ही कंसिडर करते हैं, जब कुरेदो तो पता चलता है फोन भी देखना है और अक्सर टीवी भी चल रहा है और नीचे फोन भी हो रहा है, यस, लैपटॉप भी हाथ में, जिनमें से मैं भी एक हूं। जब मैं आर्टिकल्स लिखती थी फिर मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया बिकॉज मैं पागल हो गई थी, फोन एक तरफ लगाया हुआ स्टैंड के ऊपर, उसको चेक कर रही हूँ, किसी के मैसेजेस व्हाटएवर, इस साइड पे ये लग रही हूँ किताब अपनी अपनी राइटिंग कर रही हूँ, सामने टीवी लगा हुआ, फ्रेंड्स लगा हुआ, मतलब दिमाग को सोचो कि क्या हो रहा है, वो जो जो, जो बैठी हुई दिमाग वाली वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सारा जो, कैन यू इमेजिन द विजुअल, बट कैन यू इमेजिन कि ब्रेन के साथ क्या हो रहा है यार। बट यू हैड चोजन वेरी गुड सीजन टू वॉच, वो एक अलग बात है, बट द लेवल से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, विस्ता तू तो रहने ही दे यार, ब्रेन की स्टिमुलेशन में होगी जब दिमाग सेट हो जाएगा, चल बोल बता स्टिमुलेशन का लेवल क्या होगा उस वक्त जब तीन तरफ से आपका ब्रेन, वो हम जो बात कर रहे थे कि आई थिंक माइंडफुली सबसे पहले हमें खुद एज अ रोल मॉडल कम करना है। मैं खुद बहुत फ़ोन यूज़ करती हूँ, मेरा सारा काम, मेरी ईमेल्स, मेरा सारा स्केड्यूल काम का, बिकॉज रनिंग अब पूरा सेटअप, सारा दिन फ़ोन बजता है और 24 घंटे मेरे हाथ पे फ़ोन होता है, बट मैं माइंड, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन रात को एयरप्लेन मोड पे करके सोती हूँ कि जो मेरी स्लीप टाइम है, बट देन कमिंग टूवर्ड्स द बींग अ रोल मॉडल, आपको खुद कट डाउन करना है जो आपका डिनर टाइम है। तो अभी बहुत अच्छी उन्होंने बात की, टेबल पे बैठे मैं डाइनिंग टेबल पे, बाप भी फोन पे, माँ भी फोन पे, सो इन माय हाउस इज अ रूल एटलीस्ट खाने के टेबल पे कोई फोन नहीं ला सकता, और मेरे माय हस्बैंड अक्सर वो यही करता है कि फोन पे हो, तो मैं कहती हूँ यार अगर आप फोन पे हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बच्चे ये कुछ करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको खुद ये रूल्स फॉलो करने हैं, और एक जो रूल बना रहे हो फिर उसको अपने लिए पर इम्प्लीमेंट करो ना, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं देख सकता हूँ बच्चे नहीं देख सकते, तो आपको खुद रोल मॉडल बनना है। यार आई रिमेम्बर मेरी बहन को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, आपा वॉज एविड रीडर, इज एन एविड रीडर, आपा हमेशा डाइनिंग टेबल पे अपनी बुक पढ़ते पढ़ते ना आ जाती थी, इनके पहनी हुई बुक पढ़ते हुए आके टेबल पे बैठ गई, फौरन मेरी अम्मी घूम के कहती थी किचन की किताब साइड पर रखो प्लीज, और वो कहती थी बट मामा मैं बीच में हूँ, किताब को भी मना किया जाता था, क्यों कि भाई हम लोग एज अ फैमिली बैठे हैं टेबल पे, टाइम चलो अगर है, हाँ। गेम खेल लेते हैं, आइस पाई खेल, सबसे पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ स्कूल में क्लास, ये वो बच्चे आपको पता है पीपी मामा थोड़ी सी जवाब दे के बाद खत्म कर देते, उसके बाद फिर हम कोई गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग जबानी खेल लेते थे या कोई ऐसी चीज़ कि भाई
वर्बली इंगेज रहे, माँ के साथ बातचीत करते रहे, आपस में कम्युनिकेट करें, उससे हमारी बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल डिफरेंट थी, क्वालिटी टाइम है ना। आप अगर आप उस वक्त भी टीवी चल रहा है, खाना खा रहे हैं, फोन आपके हाथ में, आप लोग खाना खा रहे हैं। हमारे जमानों में बाप अखबार खोल के बैठे होते थे। बिल्कुल। और बात ये कि वहां से ये मसला खराब होना शुरू। Exactly। हाँ। So आप अखबार अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे और क्या, और डाइनिंग टेबल पे नहीं यूज करते। बिल्कुल नहीं होता। आई थिंक इन केस तो हम बच्चों की बात करें, सारा दिन गुजरता है सिर्फ उसमें सोना, और ये नहीं होता। आगे बताओ। नहीं आगे तो मैं बहुत, मैं आई एम एक्सेप्टिंग कि मैं बहुत यूज करती हूँ, बहुत यूज करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करती हो ना? नहीं, ये मैंने एक चेंज की अपनी लाइफ में, फोन चेक नहीं करती। मैं सीधा उठते ही पहले जिम जाती हूँ, जिम से आके, और उस टाइम पे भी मेरा फोन नहीं यूज होता, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि थोड़ा सा मी टाइम भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उस वक्त भी फोन बंद होता है। चलो इतना तो कर रही हूँ। हाँ, इतना कर रही हूँ। आयशा भी बहुत ही कच्ची लग रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कच्ची लग रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कम करती हूँ यूज। मैं कैसे कम करती हूँ, उसकी रीजन ये कि व्हेन यू हैव लॉट ऑफ स्टफ टू डू ना, जो अदर देन गैजेटरी है, मतलब स्क्रीन टाइम उसमें नहीं है। आपको जिम जाना है ऑब्वियसली, आपको 3 घंटे की क्लास पढ़ानी है ऑब्वियसली, आपको लॉन्ड्री करनी है, आपको कुकिंग करनी है, आपको वॉक पे जाना है, ये सब मस्ट है। व्हेन ये मस्ट है तो फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो खत्म हो गया। अब आप तकिए पे रात को लेटते हो तो फिर मुझे याद आना शुरू हो जाता है, अच्छा फलाने ने ये कहा था कि सोने से पहले फोन नहीं देखना, उससे ये प्रॉब्लम होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो ऑब्वियसली हेल्थ डिस्टर्ब होगी। और हेल्थ को इस एज में मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर आप फिट रहना चाहते हो। और उसमें सबसे पहले आपका स्लीप डिप्राइव होना नहीं आता कहीं पे भी, और सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होती है वो स्लीप ही होती है। अगर आप फोन पे हैं, फोन आपको सोने नहीं देगा, आप ऑब्वियसली आपकी डोपामिन रिलीज होती जा रही है और फोन आपको सोने नहीं देता। लेटते हो तो आपको याद आता था कि उसको भी जवाब देना था, उसको भी ये कहना था, बट जरूरी करना पड़ता है। लेकिन यही बात है कि अगर आपके पास और बहुत सारे काम है तो आप ना चाहते हुए भी फोन यूज नहीं कर सकते। जब आप बैठोगे, आपको लगता है मी टाइम में फोन ही क्यों चाहिए, मतलब मी टाइम तो कुछ और भी हो सकता था। जैसे मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है, तो मैं कहती हूँ अच्छा मी टाइम में आज ये वाली शर्ट काटनी है, आज इसका कुछ करना है। या मी टाइम में किसी को गार्डनिंग पसंद है तो वो अपने गमला लेके बैठ जाता है अंदर। मतलब आप मी टाइम कुछ और भी तो कर सकते हो ना, उसमें जरूरी फोन ही क्यों है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, आई बिलीव कि जैसे आप हैं, आपका सोशल सर्कल ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा, आप हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको फोन की जरूरत है तो यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपने अपने आप को खुद ड्राइव करना है। देखो ये आपकी अपनी जान है। एक सेकंड। हाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तो एक बेसिक जरूरत है, गाड़ी होनी चाहिए। सॉरी, साइकिल पे भी गुजारा निकल सकता है, अपने पैरों पे भी निकल सकता है, तो जरूरतें भी हम खुद क्रिएट करते हैं। देखिए बचपन में मेरे अम्मी हमेशा कहती थी कि जुगन वांट और नीड में बड़ा फर्क होता है। आपको चाहिए क्या और आपकी जरूरत क्या है, दोनों में बड़ा फर्क है। ये मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको जरूरत बना ली है। मैंने इसको अपनी जरूरत बना ली, हमने बना उसी तरह जिस तरह 15 नए जूते और हर महीने, हर साल और हर महीने दो नए सूट 5 नए सूट और नए बैग। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वो तो सर पे छत की जरूरत है, लेकिन 15 करोड़ का घर मेरी जरूरत नहीं है। जैसे दिन में 10 दफा खाना जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है ना, वो तो आपकी वांट है। आप बार बार खाते हो, बार बार प्लेजर मिलता है, आप फिर और ज्यादा खाते हो। आपको 2-1 रोटी खानी है, आप उसकी जगह 6 खा रहे हो, तो यू आर ग्रोइंग योर स्टमक, वो आपका वांट बन जाता है, वो नीड थोड़ी रह जाती है। नीड तो वही है, दिन में 1 दफा खा के भी आप जिंदा तो तब भी रहोगे। तो यू मतलब आपने उसको वांट बना लिया ना, वो जरूरत खत्म हो गई है, वो वांट बन गया। अच्छा मुझे पता है ऐसी किस बात पे आती है, इवन दो हम जब लाइव शो में भी होते हैं तो 90% लोग भी अपने फोन को यूज़ हाँ जी, अभी भी आप तीनों ने यही किया, अभी भी इर्द गिर्द में यही देख रही हूँ, कहीं फोन गिर रहा है तो कहीं किसी के हाथ में फोन है तो किसी का फोन बज रहा है। और हमेशा सेट पे आते ही मैं कहती हूँ फोन साइलेंट एंड प्लीज साइड पे रख दे। इसलिए मैं कहूंगी मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे पास है भी नहीं। मैं तो करती हूँ। हाँ, के दौरान मैंने तो खुद एडमिट किया सबसे पहले कि मैं खुद कल्प्रिट हूँ इस चीज। चल विस्मा तू भी सच बोल दे, डॉक्टरी साइड पे छोड़ दे, आज सच ही बोली। मैं सच ही बोलती हूँ। बड़ा आज आपने नीला आईलाइनर लगाया ना। अच्छा जुगन, इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो बीइंग अ प्रोफेशनल ऑब्वियसली यू हैव टू गेट कनेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स विद पीपल, बट मुझे पर्सनली फोन जरूरत के बगैर यूज करना अच्छा नहीं लगता। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को वो ये कि आप अपनी हर एक चीज़ फ़ोन में इंस्टॉल मत करें। डोंट इंस्टॉल योर ईमेल्स ऑन योर फ़ोन। ये प्रोफेशनल होते हुए कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको किसी वक्त भी ईमेल आती है,
लेकिन आप कॉन्स्टेंटली स्टक रहते हो उस चीज़ के ऊपर. ओके फाइन, आई हैव गॉट इट, मुझे इसको रिप्लाई भी करना है. आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी भी लग रही है. कुछ चीज़ें आप लिमिट कर लें अपने फ़ोन पे. अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी सोच ये है कि फ़ोन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज़ें ना रखें. एग्जैक्टली. ईमेल और सिर्फ जो अर्जेंट व्हाट्सएप पे आपकी चीज़ें हैं वो आप रखें. क्योंकि होता पता है क्या है, ये जो सोशल मीडिया ही हमें फोन पे रखता है, ईमेल नहीं रखता. ईमेल आई, सीधी बात है यार, इसमें मुझे भी आती, क्योंकि मेरी भी कैनेडा बाहर से भी आती हैं, यहाँ से भी होती हैं, हमजा भी जा रहा है, मेरी अपनी भी पढ़ाई शुरू होने वाली है अगस्त में. तो मैं पता क्या करती हूँ, मैंने देखा ईमेल आई हुई है, मैंने ये देखा, अच्छा ये उस तरह से काम से रिलेटेड नहीं है, अभी जंक मेल है, साइड पे कर दी. जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगे होते हैं 24 घंटे, स्नैपचैट एक नया अजाब, नया तो नहीं खैर पुराना अजाब है, स्नैपचैट पे भाई अगर स्ट्रीक शुरू हो गई है तो शुरू हो गई है. बस अब आपने अपेरेंटली आप कंसिस्टेंटली आपने उसको लाइव रखना होता है. सबसे बड़ा अजाब तो रील्स है. अब ये कहीं पे नेवर एंडिंग रील्स हुआ ना कि स्ट्रीक जो है उसको अलाइव रखना है. इट इज व्हाट इज इन हियर, कि हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है वो वाली जो होनी नहीं चाहिए. यार मैं बड़ी सौखी थी ना, मैं इंस्टाग्राम को खास यूज करती थी, बस फेसबुक पे थोड़ा बहुत होती थी. इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुई हूँ, 1 मिलियन हिट करने वाले हैं मेरे फॉलोअर्स. लेकिन नहीं, बट व्हाट्स द पॉइंट. मैं अक्सर ये सोचती हूँ, मुझे भी टीम कह रही थी कि हम क्या करेंगे जब 1 मिलियन पे जाएंगे आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, और देखे ना आप एक्टिव हुई हैं तो चल पड़ी हैं चीजें. बात यह है कि एक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी दे दो इंस्टाग्राम को और फेसबुक को. अब डेफिनेटली फॉलोअर्स बढ़े हैं मेरे क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ, बट वो कॉन्स्टेंट पोस्टिंग की वजह से जिंदगी अजाब हो गई. बल्कि मैं आप ही से भी बात करना चाहूंगी, आप ही, आप भी तो देखें एक 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 माँ होने के नाते, और आप उस जनरेशन से हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, ये सारी बकवास इतनी नहीं यूज़ की जाती थी. तो मुझे आप बताएं अपना ओपिनियन, जब आप देखती हैं मामला, आप तो बच्चे भी देखती हैं अपने, और माशाल्लाह यू आर अ ग्रैंड मदर ऑल्सो, क्या कहेंगी आप गैजेट्स के बारे में, स्क्रीनों के बारे में? कान, आँख, हर चीज़ मुतासर हो रही है. मेरी तो अपनी आँखें इतनी कमज़ोर हो गई. एक और कल्प्रिट पकड़ लिया जोगिन. तो मतलब आप ही, आपने नहीं कुछ और कहना था. क्या करती हैं आप? आपने तो कहना था कि हाँ ये यदि मेरी खुद आंखें खराब हो, बट आप ही, वही तो बात है. अबाउट 20 years ago आप और मैं सोच सकते थे, या हम लोग सोच सकते थे कि हम सारा टाइम किसी डिवाइस पे लगे रहेंगे? आसान थी जिंदगी, बहुत ही आसान थी. अब हमने बहुत मुश्किल, हमारा कोई ड्रामा या कोई शो या कोई चीज होती थी, और उस वक्त आप शो भी एक टाइम पे देखते थे 20 साल पहले. बिल्कुल. अब तो आपने शो देखना है, आपने जिस टाइम भी उसको लगाया, चाहे अमेजोन, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर, जो भी पीटीवी का भी हमारा अपना एक है, आपने जब देखना है आपने उसको लगाया, आपने देख लिया. अब आप इस चीज के मोहताज नहीं है कि भाई 7 से 8 बजे ही देखना है, जिसकी वजह से सारा दिन हम पागल हुए थे. आई रिमेम्बर बचपन में 9 बजे खबरें लगती थी, उसके बाद खत्म, कुछ नहीं आता था. आप ही, कितना मजा आता था जब ड्रामा बंदा हर हफ्ते देखता था और सारे मिलके बैठ के देखते थे. उसके बाद जो है ना, अम्मी अब्बू ने रिमोट ले लिया, उसके साथ का टाइम इंतजार भी होता था, पोस्ट कमेंट्स भी होते. और अब पूरा का पूरा ड्रामा आप 2 रातों में बैठ के देख लेते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे मिल जाता है. तो ये जिसको हम आसानी सोच रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी जिंदगी को बहुत मुतासिर कर रहा है. और व्यूअर्स, आपने कभी नोट किया है, हमने कितनी बकवास देखनी शुरू कर दिया है. हम वो ड्रामे, वो शोज भी देखते हैं जिनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कि चलो पीछे चल तो रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक को खुद आ रहा सुनना है तो म्यूजिक ही सुन लो, कम अज कम वो रूह की गजा तो है. एनीवे, ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद AI के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के मामले में किन चीज़ों से के बारे में मोहतात रहना चाहिए? बिकॉज एक चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल की सोसाइटी में व्यूअर्स बन गई है, वो ये है कि पहले हम डरते थे कि बच्चों की लोकेशन या कोई ऐसी जगह पता चल जाएगी गैजेट्स के थ्रू. अब तो बच्चे का बेडरूम, बच्चे का बाथरूम, बच्चे की एक एक चीज़ जो है थ्रू AI अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं. ब्रेक के बाद बात करें. वेलकम बैक व्यूअर्स. एज यूजुअल आयशा ने अपनी एक स्टेटमेंट पास करनी होती है जब हम ऑनर आ रहे होते हैं, और कहते हैं दांत भी फिर इसके ऐसे ही निकले होते हैं. अब क्या बात हो रही थी वो तो नहीं बता सकते, बट वेरी बैड यार, वेरी बैड. ऑनर ही ताने देने शुरू कर देती हो, ठीक लड़की नहीं हो. लेकिन खैर, जो ठीक लड़की है उनकी तरफ हम चलते हैं. आप जान, क्या सिचुएशन है? ये हमारे कोफ्ते भी तैयार हैं, सैलेड भी तैयार. हमारे कोफ्ते नहीं तैयार, हमारे कोफ्ते नहीं तैयार.
बीफ के कोफ्ते या मटन के या चिकन के कोफ्ते तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने कोफ्ते नहीं बनाने, एक्चुअली ये एआई से अपना ही कोफ्ता बन जाता है, मसला ये है। इवेंचुअली ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस गैजेट्स अपनी जगह, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे बच्चों को दूर रखना या बचाना या इन्वॉल्व करना कितना ज़रूरी है? जी गुड जोगिन, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है इनकी, जो असाइनमेंट है जो होमवर्क है, चैट जीपीटी खोलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर मिलता है और उसको लिख के भेज देते हैं। मतलब आई विटनेस एज अ मदर ऑल्सो, एज अ टीचर ऑल्सो, मैंने मेरा अपना बेटा क्लास में बैठा हुआ क्रिएटिव राइटिंग एंड ही सेंड्स मी हिज एसे एंड आई एम लाइक ये तो तुमने लिखा ही नहीं, इज लाइक हेल्प ली थी चैट जीपीटी की, मैं लाइक ये हेल्प नहीं है, ये हेल्प नहीं है, तो ये तुम लोग तो सोचना ही छोड़ दोगे। नंबर वन तो ये है, नंबर टू आई थिंक इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन जॉब्स खत्म हो रही हैं लोगों की, अभी भी होना शुरू हो गई हैं, बिकॉज एआई ने बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया ह्यूमन सोर्सेज को। एंड आई थिंक नंबर थ्री इनकी एम्पथी, आपने भी ये बात की कि बहुत सोशल स्किल्स एंड एम्पथी ख़त्म होती जा रही है, बिकॉज हर चीज़ एक रोबोटिक तरीके से लेके ये बच्चे चलना शुरू हो गए आगे। सो इन द लॉन्ग रन ये बहुत सोशल रिलेशनशिप्स पे बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सही, देखे ना इंसानों के साथ ताल्लुक, मैं बड़े देर से अब काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ ये बात भी और शेयर कर रही हूँ, कोई चीज़ होती है आपके जहन में आती है, आपका दिल चाहता है उसको रिइटरेट करें। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो हम गेन करते हैं बनाते हैं, जो हमारा एसेट होता है, वो ताल्लुक होते हैं, रिलेशनशिप्स। हम बच्चों के ताल्लुकात बनने ही नहीं दे रहे, और जब उनके ताल्लुक छोटी उम्र पे नहीं बनेंगे तो बड़े जाके बड़े होके भी नहीं होंगे, और आइसोलेटेड इंसान एक बहुत डिप्रेस्ड अकेला और कन्फ्यूज्ड इंडिविजुअल होता है। जी आयशा जी, जीशान बताइए। मैं मुझे ये लगता है कि जो एक है जो आर्टिफिशियल, आई मीन अगर वो है ही आर्टिफिशियल तो वो आप बच्चों को ग्रूम तो नहीं कर सकता ना, उनकी पर्सनालिटी तो नहीं बना सकता, उनको सच और झूठ का फ़र्क तो नहीं बता सकता, जो वो है ही आर्टिफिशियल। तो बात तो बच्चा तो हमारी प्रोडक्ट है ना, हमने उसको सीधा करना है, एआई ने तो उसको सीधा नहीं करना। तो एआई पे आप उतना ही रिलाई करें जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है। एज पेरेंट अगर आप ये हेल्प ले सकते हैं कि एक वर्कशीट आपने अपने बच्चे के लिए बनानी है तो आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि जी मुझे ये वर्कशीट दे दे, और आप उससे ये हेल्प काफ़ी है, रादर कि आप बच्चे को उसके ऊपर लगा दो कि वो खुद ही अपने आप को बनाना शुरू कर दे लड़की से, मतलब वॉट एवर जो भी है, AI को आपने कैसे यूज करना है, मतलब पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एक बात, और उसके साथ देखो कितनी नेगेटिव बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अब वो AI को देख के, AI उनसे ज्यादा अकलमंद भी है। कोई भी वो बात कह दे AI उससे फिर भी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया जहान की नॉलेज उसके अंदर है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम अपेयरेंसेज देखो तो AI से जो ये लोग अब बंदे बनाना शुरू हो गए हैं और रीले भी बनना शुरू हो गए, अब वो AI जो है वो असल इंसान से तो कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होती है। आपने अगर कोई वीडियो भी बनानी है तो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपनी लुक्स को इन्हांस कर देते हैं। बच्चे अपनी ज़ात से इतने डिससेटिस्फाइड इतने कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो गए यार गुल, पहले होता था कोई एक बच्चा कहता था कि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरी मामा कहती है ये वो, अब तो हर बच्चा एक सर्टन साइज एक सर्टन डिब्बे में फिट होना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ये डिल्यूजन क्रिएट कर रही हैं। आप अपने से आपकी अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है, कह रहा है कि एम आई फैट, एग्जैक्टली रोल मॉडल AI बनता जा रहा है ना आपके सामने, इमेजेस तो खेल तो एंजॉय कर, एग्जैक्टली पहले हम ये जब अपने आप को खुद क्रिएट कर सकते हैं तो कौन ये पसंद करेगा कि वो अपने आप को अच्छा क्रिएट ना करे, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हकीकत से दूर हो गए। तो हम क्या अपने बच्चों को ये तो नहीं सिखा रहे कि रियलिटी क्या है, तो आपने अपने बच्चों को रियलिटी में इसी तरह ही रख सकते हो अगर आपका फिजिकल पेरेंट बच्चे का कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा ना कि AI का कॉन्टेक्ट ज्यादा। मीडिया वालों को आप लोग कितनी बातें सुनाते थे एज एजुकेशनिस्ट एज डॉक्टर्स कि भाई तुम लोग गलत मैसेजिंग देते हो, तुम लोग ऐसे कपड़े पहनते हो जो कोई आवाम में पहन नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, तुम लोग ऐसे ऐसे मेकअप कर लेते हो। मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल ही मेकअप लगाना छोड़ दिया बराए नाम, और मैंने अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल नॉर्मल जितना नॉर्मल मैं घर के करीब हो सकती हूँ किया कि भाई मैं तो ऐसे लगती हूँ। अब अगर तस्वीरें और फोटोशूट्स होती हैं और उसमें ग्लैमर का एलिमेंट ऐड किया जाता है तो वो ग्लैमर है, वो असलियत नहीं है। तो AI तो डेली आपके मुंह पे चपेड़ मार रहा है। अभी तक तो हम अपने बच्चों को यही सिखा नहीं पाए थे कि जो TV में आ रहा है वो असल नहीं है, ठीक है बिहाइंड द कैमरा कुछ और है। आपने तो अब हमने ये चीज़ शुरू कर दी है, तो अगर हमने इससे अपने आप को दूर रखा और बच्चों को ज़्यादा, तो फिर बच्चे हमारे एक टाइम वो आएगा कि AI हमारे बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, जो कि आप खुद उसके और ये हम हाल में देखी भी है कि रोबोट्स और कंप्यूटर्स ने टेक ओवर कर लिया और इंसानों की कोई वर्थ नहीं रही। तो भाई आप इंसानों को
खुद ही गुलाम बना रहे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का, वही रोबोटिक्स जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं वाओ क्या बात है, वही रोबोटिक्स या वही कंप्यूटर्स और वही रोबोट्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह टेक ओवर कर लेंगे, तब ये वाली बातें याद आएंगी और कहीं सोशल मीडिया पर ढूंढ के आप कहेंगे यार ये लोग बात तो सही कह रहे थे। तो चीज को जितना आप खुद काबू में ला सकते हैं लेके आए, क्यों इतनी डिपेंडेंसी ऐसी चीजों पे बना रहे हैं जिनके बगैर आपके लिए फिर रहना मुश्किल हो जाए। वही कहते हैं कि चूज योर हार्ड वाली बात है कि आपने काम करना ज्यादा हार्ड है या एआई बना देना बात तो ही है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बिकॉज़ यू माइट जस्ट गेट इट। बी केयरफुल तो वही है ना, इतनी आसानियां जब आप अपने लिए क्रिएट करोगे तो उन आसानियों के साथ जो मसाइल है फिर वो आप नहीं भुगतने। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहिबा आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। हाँ जुगन, आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे और आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अगले 20 साल में आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। सो वी जस्ट होप कि वो चीज़ें जो हैं वो उतनी हम पे अफेक्ट ना करें, बट जितने इफेक्ट्स हम पे प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं दीज आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और अ गुड डायरेक्शन। मेरा भी एकेडेमिया से ताल्लुक है लेकिन मैं बच्चों की बजाय एडल्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ आप तो वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो ना जिनके लिए ये दोनों लड़कियां तैयार करती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहली चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बच्चों में या लड़कियों में लड़कों में देखी वो कि उनका जो व्हाट्सएप का या फेसबुक का डीपी है वो वर्जन उन्होंने यूज किया हुआ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको बना के दिया, एंड दैट इज़ वेरी प्रिटी। They think that we should look like this, but they don't. हमने अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ दी हुई, हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप सेल्फ ब्लेमिंग में जा रहे हैं, आपकी अपनी जो अपने आप से एक उंस है वो ख़त्म हो गया है और आप अपने आप को डिसओन करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक पर्सन अपने आप से ही डिसओनिंग पोजिशन में आ जाएगा वो दुनिया को कैसे ओन करेगा। Other than the effects what these pretty ladies told about के creativity भी affect होती है and all that, so I guess इसको जितना हम overcome करने की कोशिश करें, अपने आप को accept करें बजाय ये कि ये हमारी ज़िंदगी को अपनी direction में लेके जाए, हमें इसको control करना है, and that is very much needed right from today, not in the coming years, otherwise बहुत negative consequences face करने पड़ सकते हैं और कर भी रहे हैं। viewers अक्सर बच्चे किसी ऐसे इंसान से मिलना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं ये क्यों हुआ, हाय अल्लाह हमारी बच्ची को किसी ने बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा एआई एडवांस हो गई है। ऐसा जैसे मैं आपको कह रही थी शो शुरू करने से पहले जब हम गप लगा रही थी दोनों बहनें कि यार अब तो लिटरली आप किसी एक और इंसान से पूरी, जिसको कैट फिशिंग भी कहते हैं, पूरी गुफ्तगू बातचीत ये वो, हम जैसों को इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता जितना छोटी 12-13 साल की बच्ची को या 11 साल के लड़के को। अगर कोई पुट्ठी मत दे रहा है, कोई सहेली बन गई है एआई की, वो कोई आदमी ही उसको बना के बैठा हुआ है, आवाज़ भी खास जनानी है, बातचीत भी हो रही है, गुफ्तगुएं भी हो रही हैं, अब तो आप आवाज़ ऑल्टर कर सकते हैं, अपनी ही अपेयरेंस को रीमॉडिफाई कर सकते हैं। सो बात यह है कि वी हैव टू बी केयरफुल, और उसके लिए जब तक हम एज एडल्ट जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो किसी ने कहीं से अपनी कब्र से निकल के नहीं मामला ठीक करा दें। आई एम सॉरी, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी विजिलेंट, मुझे भी होना है, यहाँ पे जो सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं उनको भी होना है, और अल्टीमेटली वही चीज़ है, पहले अपनी ज़ात को ठीक करो फिर बच्चों से उम्मीद रखो। बच्चे चाहे 40 साल के भी हो जाएं, वो अपने 60-70 साल के माँ बाप को ही देखते हैं एज रोल मॉडल्स, हम कितने भी बड़े हो जाएं। सो वी हैव टू रिमेन विजिलेंट, एंड याद रखें इन चीज़ों के झांसे में नहीं आना, ये उतनी ज़रूरी जितनी जिसके लिए इसको बनाया गया था। इसका गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कभी भी किसी मोबाइल वाले से बात करो, स्टीव जॉब्स क्या कहता था, मैं अपने बच्चों को भी कभी मोबाइल ना दूं, और इतनी एज से पहले नहीं, बिल गेट्स भी यही बातें करते हैं, उन्होंने ही बनाया, वो तो नहीं यूज़ करने देते इस तरह से। वही वाली बात है, आप गन एक 3 साल के बच्चे के हाथ में नहीं देंगे क्योंकि वो चल जाएगी अगर वो लोडेड गन है तो। उसी तरह वही गन जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस या डिफरेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, वही गन आपकी जान ले सकती है। उसी तरह इन डिवाइसेस को एक जानलेवा डिवाइस, जानलेवा चीज़ ना बनाएं जिससे जिंदगियां, इमोशंस और फिजिकल और इमोशनल हेल्थ मुतासर हो। इसी नोट पे आज के शो को क्लोज करेंगे इस दुआ के साथ कि हमारी बात कहीं आपके दिल दिमाग में लग गई हो। गर्ल्स आपका भी शुक्रिया, आपी जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, हैव अ लवली वीकेंड, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।